दोस्तों आज की स्टोरी में बात करने वाले कि यहाँ पे मैंने ये जो लैपटॉप है फॉर्मेट करवाया है दुकानदार से, और दुकानदार ने गलती क्या की, हालांकि मैं अभी दिखा देता हूँ, दिस पीसी में जाता है और गलती तो वैसे हम भी करते हैं, बट ये अभी क्या हुआ कि मैंने ये जो अभी चेंज किया, ये ऐसे ड्राइव बनाए तो मेरा जो वीडियो था वो क्रैश हो चुका है मोबाइल में, ऑटोमेटिक हैंग हो चुका है मोबाइल, तो वो वीडियो चला गया, फिर से मुझे बजाना पड़ रहा है अब, क्योंकि इसमें मुझे आपको सिखाना है। तो अब ये तो बन चुकी है, तो अब इसमें से काटेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि लोकल डिस्क सी 119 सॉरी 145 GB का वो ड्राइव स्पेस बना, ड्राइव बनाया, पार्टीशन कहते हैं उसको, मतलब ये तो इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, बट यहाँ पे ये भी खाली है, ये भी खाली है, जो मैं बताया कि वीडियो बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था, लेकिन ये मेरा वीडियो अभी सेव नहीं हुआ, मोबाइल हैंग हो चुका, तो ये तो बन चुका, इसका कुछ काम नहीं। बट यहाँ पे ये 100 GB का बना, वैसे ही यहाँ पे 219 GB का एक ड्राइव है, मतलब ये पार्टीशन है, तो उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 219 में से 100 GB का एक्स्ट्रा और बनाएंगे, ये एफ है, तो उसके बाद जी का एक यहाँ पे लोकल डिस्क बनाते हैं, मतलब पार्टीशन बनाते हैं। तो ये आफ्टर इंस्टॉलेशन की बात है, इंस्टॉल के टाइम भी ये होता है, लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया, वो फटाफट उसने कर दिया, सिर्फ इसमें इंस्टॉल किया, एक ही ड्राइव बनाया और लोकल डिस्क बनाए, और फिर उसको उन्होंने ये करके दे दिया। बट अब इसके बाद तो हमें ड्राइव चाहिए, मल्टीपल ड्राइव चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है ये वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट, आपको क्या सर्च करना है, डिस्क मैनेजमेंट सर्च करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैनेज पूरा नहीं लिखा, फिर भी यहाँ पे आ चुका है, ये वाला आना चाहिए विंडोज़ 10 में, अगर पूरा आप डिस्क मैनेजमेंट लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये ओपन करने के बाद हमें यहाँ से एक डिस्क मैनेजमेंट का एक फोल्डर ओपन होगा, इसको हम बंद कर लेते हैं, फोल्डर जैसा ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 145 वाला टाइप लोकल डिस्क है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी, इसमें भी नहीं करनी, और ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाया जो जिसका वीडियो सेव नहीं हुआ। फिर ये जो है 219 GB वाला, इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 100 GB एक्स्ट्रा निकाल देंगे इसमें से। तो अब क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फिर एक ऑप्शन मिलेगा श्रिंक वॉल्यूम, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज़ डालनी पड़ेगी MB में, अब कितनी GB का बनाना वो आप पे डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे कि मुझे यहाँ पे 100 GB का एक अलग ड्राइव बनाना है, पार्टीशन बनाना है, तो 100 GB कैसे कैलकुलेशन करूँगा मैं, 1 GB के बराबर 224 MB होते हैं, तो 100 GB का बनाना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा 100 के साथ, तो यहाँ पे मेरा फाइनल MB में आ जाएगा 1,00,000, यहाँ से कितना होता है 2,400, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वही जो हमने अभी यहाँ पे टाइप किया, सॉरी कैलकुलेशन किया, 1,04,000 2,400, बस इतना लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे श्रिंक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर जैसे श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो ये 100 GB का एक्स्ट्रा आ चुका है, अभी यहाँ पे ड्राइव में नहीं दिखाई देगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अभी नहीं आया, बट अभी क्या करना है, यहाँ पे आ चुका है, देखिए ये 100 GB का अनलोकेटेड आ चुका है, अभी लॉक है, आपको अनलॉक करना है। तो ये तो दिख रहा है 100 GB का, इसमें से अभी 219 था वो कट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है, अब इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ऐप के बाद आपको जो भी बनाना है, ऐप जी जो भी बनाना है, तो मैं जी को ही रखता हूँ, और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ये भी नेक्स्ट कर देना है, बस इतना करना है। अब यहाँ पे तैयार हो चुका हमारा एक अलग डिस्क, लोकल डिस्क, और यहाँ पे देखिए DGF सब कुछ तैयार हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, अब यहाँ पे दिखा रहे थे इसके कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हो न्यू वॉल्यूम 99.9 GB का आ चुका है, मतलब 100 GB पूरा नहीं आता, थोड़ा बहुत कट हो जाता है अब बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये जो 219 वाला था वो 119 में हो चुका है, बाकी तीन लोकल डिस्क बन चुकी है। इसको रीनेम करना है तो आपको राइट क्लिक करना है और फिर जाके रीनेम कर लीजिए, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम लिखा है, लेकिन आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, लोकल डिस्क 1 GB जो भी आप करना है कर सकते हो, तो फिलहाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ये, लेकिन इस तरह से आप पार्टीशन चेंज कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल के बाद तो मतलब इंस्टॉल टाइम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में कैसे करना है तो इस तरह से आपको करना है। तो होप सो आज का वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।